हेलो, वेलकम बैक इन माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन प्रैक्टिकल सेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट। एंड अवर टुडेज प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल नंबर वन, एक्सपीरियंस नंबर वन गिवन इन योर मैनुअल। आइडेंटिफाई वेरियस ब्लॉक्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड। तो इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशन we are going to identify what are the different blocks are available on a 8051 microcontroller development board. Now what do you mean by 8051 microcontroller development board? ये कौन सा बोर्ड होता है? तो 8051 microcontroller के साथ में जितनी भी चीज़ें अटैच होती है तो वो सारे अटैच एक आपको बोर्ड में नज़र आएगा जिसको डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं। तो कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं जो ये पर्टिकुलर बोर्ड में अवेलेबल होंगे, जो प्रैक्टिकल में ये यूज़ होता है? इन अवर प्रोजेक्ट वी आर यूजिंग दिस बोर्ड, तो ये प्रोजेक्ट पर्पस के लिए यूज होता है, प्रैक्टिकल में यूज होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से ब्लॉक्स इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट बोर्ड में अवेलेबल होते हैं, वो चीज़ को आज हम लोग अपने ये प्रैक्टिकल में आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे कि ये प्रैक्टिकल का जो आउटकम है वो आपको इधर पे नज़र आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स आउटकम कौन सा है। तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है, तो रिलीवेंट कोर्स आउटकम इसका यही है, एनालाइज आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आईसी। और प्रैक्टिकल आउटकम यही जो आपका नाम जो सजेस्ट कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकल का आउटकम क्या है? यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द वेरियस ब्लॉक्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड। तो 8051 का जो माइक्रो कंट्रोलर का डेवलपमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं वो आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यानी अगर आपके सामने अगर 8051 डेवलपमेंट बोर्ड रखा गया तो उस डेवलपमेंट बोर्ड में देख के आपको मालूम होना चाहिए कि ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, इसमें इधर पे क्या कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए डेवलपमेंट बोर्ड को देख के। तो ये पहला बेसिक प्रैक्टिकल नंबर वन है ये सब्जेक्ट का, जो आपको इंट्रोडक्शन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड का। विद द हेल्प ऑफ दिस डेवलपमेंट बोर्ड, ये बोर्ड को हम लोग यूज़ करके क्या क्या करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं इसको, वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, इसके लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड का। नाउ ये सर, अब ये जो आपके सामने सबसे पहला डायग्राम इस मैनुअल में आपको दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है उसका ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉक अपना माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ नथिंग बट अ सिंगल चिप कंप्यूटर। यानी उस एक ही आईसी के अंदर सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो चीज़ है वो सारी चीज़ एक ही आईसी के अंदर अटैच होता है। अब वो क्या दूसरी एडिशनल चीज़ होती है, वो दूसरी एडिशनल चीज़ें जो अटैच होती है वो होती है सीपीयू। तो सबसे पहला मेन चीज़ होता है, तो सीपीयू के साथ में अटैच करने वाले पोर्ट्स होते हैं, और क्या होता है, टाइमर के लिए टाइमिंग ऑपरेशन करने के लिए टाइमर्स होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल पोर्ट्स होते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा लगती है माइक्रो प्रोसेसर में, वो सारी चीज़ें एक साथ इसमें अटैच होती है माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये आपको जो दिख रहा है ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 है, जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले उसका ये ब्लॉक डायग्राम है। नाउ इस ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सारी चीज़ एक साथ कनेक्टेड है इसमें ही। तो ये सीपीयू है, तो सीपीयू के साथ में इंटरप्ट जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी वाला है वो सारी चीज़ें एक साथ इसके अंदर दी हुई है। मेमोरी के लिए रोम भी है, रैम भी है, टाइमर ऑपरेशन करने के लिए टाइमिंग ऑपरेशन करने के लिए टाइमर भी है, सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल पोर्ट्स भी है, और फोर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। और वो फोर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के जरिए एडिशनल सारी चीज़ आप अटैच करते हो माइक्रो कंट्रोलर के साथ। अगर आपको दूसरी कोई भी चीज़ अटैच करना है, एलसीडी डिस्प्ले अटैच करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट्स यू आर एबल टू इंटरफेस योर एलसीडी डिस्प्ले विद माइक्रो कंट्रोलर 8051। और ये सारे पोर्ट्स इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें, मेमोरी, टाइमर, सीरियल पोर्ट्स और इंटरप्ट्स, ये सारी चीज़ प्रोवाइड होती है किसमें, माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 है, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितना रैम होता है, कितना रोम होता है, ये सारा स्पेसिफाई किया हुआ है। तो 8051 में इनबिल्ट, 8051 इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो कंट्रोलर का टाइप है जो हम लोग के सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना है। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर जो स्टडी करना है
वो ये 8051 से ही पढ़ना है, 8051 टाइप का माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। आज जो मैं आपको लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर के नाम बता रहा था, पीक, ARM और भी बहुत सारे, तो लेकिन जो सबसे बेसिक जो माइक्रो कंट्रोलर है जिससे आपको सारी स्टडी करना होती है, इसके एडवांस वर्जन वो सब है, पीक है, आर्म है, वो सब एडवांस वाले माइक्रो कंट्रोलर्स है। लेकिन बेसिक टाइप का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन सा है, 8051। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी करना है हम लोग को हमारे सब्जेक्ट में, और उसी से रिलेटेड उसका ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। तो इनबिल्ड माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कितनी मेमोरी होती है, तो सेपरेट मेमोरी होती है, हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है ये। आज ही पढ़ लेते हम लोग, हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी एंड सेपरेट डेटा मेमोरी। तो ये प्रोग्राम मेमोरी है, 4 KB ऑफ प्रोग्राम मेमोरी यानी रॉम मेमोरी और 128 BB ऑफ रैम मेमोरी। तो इनबिल्ट पहले से इसके अंदर कितनी मेमोरी होती है, 4 KB ऑफ प्रोग्राम मेमोरी एंड 128 BB ऑफ रैम मेमोरी, ये पहले से मैन्युफैक्चरर इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ इतनी ही मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, इससे हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी को इंटरफेस कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट्स। तो एक्स्ट्रा जो पोर्ट्स प्रोवाइडेड किया हुआ है यहाँ पे, आप एक्स्ट्रा मेमोरी को विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट आप इंटरफेस कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। लेकिन माइक्रो कंट्रोल 8051 में पहले से ही मैन्युफैक्चर जो मेमोरी प्रोवाइड करता है वो कितना प्रोवाइड करता है, 4 KB ऑफ रॉम मेमोरी प्रोवाइड करता है और 128 BB ऑफ रैम मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 दिखा रहा था मैं, चार पोर्ट्स इनबिल्ट होते हैं इसके अंदर, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, कैसा फंक्शन, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरे सब्जेक्ट में हमारा ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ही स्टडी है। तो ये स्पेसिफिकेशंस ऑफ 8051 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8051 का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है, तो इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। नाउ ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर क्यों बोलते हैं, ये व्हाई द नेम इज गिवन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर एक टाइम पे जो प्रोसेसिंग होगा, जो एग्जीक्यूशन होगा वो डेटा का, वो कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी डेटा बस की साइज के ऊपर। तो जितनी डेटा बस होगी उतने टाइम पे डेटा प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कितनी बिट की डेटा बस है, 8 बिट की डेटा बस है। तो उस 8 बिट की डेटा बस होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या हुआ, एट वन टाइम जो डेटा एग्जीक्यूशन होगा, जो डेटा फैच होगा, तो वो डेटा कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा, मतलब 1 बाइट, 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। सो माइक्रो कंट्रोलर 8051 इज अ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, वाई, बिकॉज इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट 8 बिट ओनली एट अ टाइम। एक टाइम पे वो कितना बिट का डेटा एग्जीक्यूट करेगा, 8 बिट का डेटा एग्जीक्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी डेटा बस साइज कितनी की है, 8 बिट की है। सेकेंड, जो अभी हम लोग देख रहे थे ब्लॉक डायग्राम में, इसके पास इनबिल्ट पहले से रैम मेमोरी कितना है, तो 128 BB का रैम मेमोरी है। इट इज हैविंग 128 BB ऑफ इंटरनल रैम मेमोरी इनबिल्ट, और इट इज हैविंग 4 KB ऑफ इंटरनल रॉम मेमोरी। तो रॉम मेमोरी इसकी कितनी है इनबिल्ट, 4 KB, और रैम मेमोरी इसकी कितनी है, 128 BB। ये सब स्पेसिफिकेशंस है माइक्रो कंट्रोलर 8051 के, ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। इट इज हैविंग हाउ मेनी टाइमर्स, 2 टाइमर्स विच इज ऑफ 8 बिट ईच। तो या सॉरी, इट इज हैविंग 2 16-बिट टाइमर्स, तो 2 16-बिट ईच टाइमर्स है इसके पास, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, जिससे टाइमिंग वगैरह ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म होता है। आपको कुछ काउंट कराना है या डिले कराना है तो वहाँ पे आपको टाइमर का यूज़ करना पड़ता है, कुछ टाइम का डिले चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइमर्स हम लोग उस डिले को लेके आ सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो कितने इनबिल्ट टाइमर है इसके अंदर, 2 इनबिल्ट टाइमर है। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रॉम, कौन पूछ रहा है ये, कैफ तुमको पता नहीं है क्या, भूल गया क्या, रैम रॉम का फुल फॉर्म नहीं मालूम, कौन बताएगा जरा रैम और रॉम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। मिल गया जवाब। हाँ, तो रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यस हाँ, ओके। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी। तो फिर इसके बाद ये हो गया 2
16 बिट के टाइमर्स है, फिर इसके बाद इट हैज 8 बिट पैरेलल पोर्ट्स, इट हैज 4 8 बिट पैरेलल पोर्ट्स। तो ये जो पोर्ट्स आपको दिख रहे पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3, ये हर पोर्ट 8-8 बिट का है। तो इसके थ्रू आप अपना एडिशनल जो अटैचमेंट करना होता है, इंटरफेसिंग करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट्स, हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी एलसीडी और भी दूसरी जो चीजें वो इंटरफेस करते हैं। तो इसके पास इट हैज 4 8 बिट पैरेलल पोर्ट्स, तो ये 4 8 बिट ईच पैरेलल पोर्ट, यानी हर पोर्ट 8 बिट का एक है। तो ऐसे टोटल कितने बिट्स हो गए इसके अंदर, 32 बिट्स हो गए। 8 4 का कितना होता है 32, चार पोर्ट्स है और हर पोर्ट कितने बिट का है 8 बिट का है। प्रोग्रामेबल फुल डुप्लेक्स सीरियल चैनल, तो सीरियल चैनल करने के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल चैनल है, सीरियल पोर्ट्स है, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन सीरियल ही यहाँ से होता है, सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए इसके पास सीरियल खुद के पोर्ट्स है, इसके पास चैनल है, एंड इट हैज 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट्स भी है इसके पास। तो सारी एडिशनल फैसिलिटीज जो होती है ये माइक्रो कंट्रोल 8051 में इनबिल्ट प्रोवाइड होती है। तो दैट्स व्हाई सारा स्पेसिफिकेशन उसकी फैसिलिटी से रिलेटेड है, यानी 8051 में क्या क्या खुद से इनबिल्ट होता है वो सारा फीचर्स उसका बनता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, कौन सी चीज़ कितनी है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिकेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। दिस इज अ पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो हम लोग अपने लेक्चर में भी देखेंगे आगे, अपना लेक्चर इसके बाद पिन डायग्राम कहिए। तो पिन डायग्राम हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले करने वाले हैं। नाउ मैं जो चीज़ के लिए आपको समझाना चाहता था जो प्रैक्टिकल है अपना, वो है डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल नंबर वन क्या है, आइडेंटिफाई द वेरियस ब्लॉक्स अवेलेबल इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड। तो दिस इज योर 8051 डेवलपमेंट बोर्ड। डेवलपमेंट बोर्ड मतलब ऐसा बोर्ड जिसके अंदर सारी चीज़, सारी फैसिलिटीज 8051 से रिलेटेड प्रोवाइडेड की हुई है। तो 8051 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अटैच्ड हैं वो एक ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, पीसीबी में ये पूरा अटैच किया हुआ है। सो दिस इज अ बोर्ड विच इज कंसिस्टिंग ऑफ योर माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑल द वेरियस रिलेटेड थिंग अटैच टू इट ऑन अ सिंगल बोर्ड, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं 8051 डेवलपमेंट बोर्ड। तो इस बोर्ड में क्या क्या चीज़ है वो पहले आप लोग अंडरस्टैंड करो, ध्यान दो। तो सबसे पहले ये जो आपको ये ब्लैक में जो आपको आईसी नज़र आ रही है, दिस बिग वन ब्लैक आईसी, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, 8051 आईसी है। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 आपका ये जो 40 पिन का ये आईसी नज़र आएगा, जिसको यहाँ पे मार्क करके क्या बोला गया है, सीपीयू। तो दिस सीपीयू इज नथिंग बट 8051 माइक्रो कंट्रोलर योर आईसी, जो हम लोग अपना यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल में और अपने प्रोजेक्ट्स पे, जो आईसी हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। तो दिस इज़ योर 8051 माइक्रो कंट्रोलर आईसी, तो इसको सीपीयू से बोला गया है बीच में सेंटर में। अब और क्या क्या चीज़ें इसके साथ में अटैच की हुई, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि इस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर आईसी में कितने पोर्ट्स होते हैं, टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं और हर पोर्ट्स कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3। तो सबसे पहले आपको जो पोर्ट 0 है वो किस तरफ नज़र आएगा, राइट साइड में। तो राइट साइड में पोर्ट जीरो के 8 बिट्स कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट नज़र आ रहा है जिसको बोलते हैं FRC कनेक्टर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस FRC कनेक्टर हम लोग अपनी 8 बिट्स को इधर पे अटैच करते हैं। तो ये पोर्ट जीरो की अटैच करने के लिए FRC कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सो इनपुट आउटपुट पोर्ट जीरो FRC कनेक्शन, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको LCD को इंटरफेस करना है माइक्रो कंट्रोलर के साथ पे जोड़ना है, तो LCD के वो 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आप इधर पे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कनेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, पोर्ट जीरो का होगा। तो पोर्ट जीरो में आपने किसको इंटरफेस कर दिया, फॉर एग्जांपल LCD डिस्प्ले को अटैच कर दिए, इंटरफेस कर दिए। तो ऐसे टोटल 4 पोर्ट्स है, तो 4 FRC कनेक्शन पॉइंट्स आपको नजर आएंगे और वो चारों कितने बिट्स के रहेंगे, 8 बिट्स के। तो दिस 8 बिट स्लॉट FRC कनेक्शन फॉर पोर्ट जीरो, फिर उसी के नीचे यहाँ पे नेक्स्ट जो स्लॉट है वो कौन सा है, पोर्ट 2 का है, पोर्ट 0 पोर्ट 2 यहाँ पे, पोर्ट 1 पोर्ट 3 इधर पे। राइट साइड में आपको पोर्ट 0 पोर्ट 2 नजर आएगा, लेफ्ट साइड में आपको पोर्ट 1 पोर्ट 3 नजर आएगा। तो ये एरो मार्क करके आपको दिखा रहा है, दिस FRC कनेक्शन पॉइंट इट इज फॉर पोर्ट 1 एंड दिस FRC कनेक्शन पॉइंट दिस इज फॉर पोर्ट 3। तो ये 4 पोर्ट्स के थ्रू आप एडिशनल इंटरफेसिंग वगैरह करते हो। अगर आपको एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करना है तो यहाँ पे अटैच कर दो उस मेमोरी वाले को इसके केबल के थ्रू, FRC कनेक्शन के थ्रू, या दूसरी और कोई चीज़ आपको अटैच करना है, कीपैड
कीपैड को अगर अटैच करना है तो कीपैड यहाँ पे अटैच कर सकते हो, एलसीडी डिस्प्ले अटैच करना है तो एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो जो एडिशनल फैसिलिटी आपको कनेक्ट करना है माइक्रो कंट्रोलर को माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो वो चीज़ आप FRC कनेक्शन के थ्रू अटैच कर सकते हो। और ये उसके LED से इंडिकेशन पॉइंट, कौन सा बिट 1 हुआ कौन सा बिट 0 हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस LED आपको इंडिकेट होगा कि हाँ अभी यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोर्ट की बिट लॉजिक 1 है, ये पर्टिकुलर पोर्ट की बिट लॉजिक 0 है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस LED आपको इंडिकेशन मिलेगा कब हाई हो रहा है कब लो हो रहा है, कब लॉजिक 1 आ रहा है कब लॉजिक 0 आ रहा है, तो सारा कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा, इंडिकेशन मार्क होगा विद द हेल्प ऑफ दिस LEDs। अब इसके ऊपर आते हैं और क्या क्या चीज़ आपके पास इधर पे एडिशनली दी हुई है, ये तो पोर्ट हो गया। फिर यहाँ पे आपको जो सिल्वर में आपको चिप जैसा नज़र आएगा पतला सा, वो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है। सो माइक्रो कंट्रोलर इज़ ऑपरेटिंग ऑन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको क्या अटैच करना पड़ता है, क्रिस्टल। तो ये फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर आपको कनेक्ट करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। और इसके बाद आपको सीरियल कम्युनिकेशन करना है, तो देखो ये आप सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए ये RS-232 सीरियल डेटा कम्युनिकेशन पोर्ट, जैसे अगर हम लोग आप देखते होंगे CPU में पीछे हम लोग ऐसा सॉकेट कनेक्ट करते हैं CPU में, तो ये उसी टाइप का आपका ये बोर्ड पे ये कनेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ नोन एज व्हाट RS-232। तो RS-232 सीरियल डेटा कम्युनिकेशन पोर्ट, तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पे लगाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस RS-232 केबल, हम लोग यहाँ पे अटैच करके सीरियल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये RS-232 का दिया हुआ है दिस, ये आपको जो कवरिंग में दिया हुआ है दिखाई दे रहा है, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का सेक्शन इधर पे दिया हुआ है, पावर सप्लाई सेक्शन। और ऊपर यहाँ पे मार्क किया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग केबल कनेक्शन, तो प्रोग्रामिंग कनेक्शन करने के लिए आप कोई चीज़ को अटैच करना चाहते हो, प्रोग्राम को लेके आना चाहते हो इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर में, कोई प्रोग्राम आपको इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में बैठ के कोई प्रोग्राम टाइप किए और वो प्रोग्राम का कोड आपको उसकी हेक्स फाइल इस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में इंसर्ट करना है, तो वो माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग इंसर्ट करने के लिए जो केबल का कनेक्शन है वो यहाँ पे टॉप में दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस केबल, ये केबल यहाँ से आप CPU में अटैच करोगे या बर्नर में अटैच करोगे, बर्नर बर्नर के थ्रू आप क्या करोगे प्रोग्राम को इंसर्ट करोगे इसके अंदर। तो बर्नर जो यूज़ होता है वो बर्नर अलग अलग टाइप से मार्केट में बर्नर्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे CPU से जो कोड होता है वो कोड को फिर इस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर IC में इंसर्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट कोड फिर वो जब वो कोड इसके अंदर आ जाता है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली फिर वो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर वैसा एग्जीक्यूट करता है। आपने प्रोग्रामिंग लिखे CPU में, सॉफ्टवेयर में लिखे प्रोग्रामिंग, और वो प्रोग्रामिंग आपको क्या करना है, आपको आपके माइक्रो कंट्रोलर IC में करना है, इंसर्ट कराना है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बर्नर एंड दिस कनेक्शन केबल, आप वो कनेक्शन केबल के थ्रू आप अपने प्रोग्राम को कोड को इस माइक्रो कंट्रोलर IC में इंसर्ट करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती है डेवलपमेंट बोर्ड में, तो बेसिक बेसिक चीज़ जो डेवलपमेंट बोर्ड में अवेलेबल होती है वो ये सारी चीज़ आपको इधर पे दिखाई दे रहा है, अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इधर पे, ये आपको डेवलपमेंट बोर्ड में इतना चीज़ मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ क्या है, क्या चीज़ किधर पे कनेक्ट करने के लिए कहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल है, जो माइक्रो कंट्रोल 8051 से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं वो ये चीज़ इधर पे शो किया है। तो अभी मैं बता रहा था सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल पोर्ट, तो सीरियल कनेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल कनेक्शन वाला जो केबल है वो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको अगर पोर्ट्स में से कुछ एडिशनल चीज़ अटैच करना है तो पोर्ट्स के कनेक्शन का ये सब सॉकेट दिया हुआ है। तो दिस इज़ बेसिकली अ डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब रेडीमेड बोर्ड है ये, तो रेडीमेड बोर्ड में सब बना हुआ रहता है, खाली बस आपको जो चीज़ अटैच करना है वो वायर के थ्रू आपको इधर पर कनेक्ट करके अटैच करना पड़ता है। तो इसके लिए इसका नाम है डेवलपमेंट बोर्ड, यानी पहले से बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। तो 8051 से रिलेटेड ये सब चीज़ जो यूज़ होती है, इस्तेमाल में होती है, तो ये बनाया हुआ है। जस्ट हम लोगों को खाली क्या करना है, केबल लगा के अटैच करना है, कनेक्ट करना है, प्रोग्राम इंसर्ट करना है और चेक करना है जो चीज़ हम लोगों ने कोड लिखे क्या वो एग्जीक्यूट हो रही है प्रॉपरली कि नहीं हो रही है। तो ये डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेवलपमेंट बोर्ड हम लोग के प्रोजेक्ट में आसानी होती है, हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट अगर कर रहे होते हैं तो बाय प्रीफरिंग दिस डेवलपमेंट बोर्ड, तो हमारा प्रोजेक्ट राइट हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, या जो हम लोग कोड लिखे हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ अंडरस्टैंड होती है, नॉलेज में आती है।
ये डेवलपमेंट बोर्ड को यूज करके। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आया आप लोगों को क्या बोल रहा था मैं? क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ओके, तो पहला एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो है वो हम लोग का यही है, जैसा कि आपको ये सब चीज़ बताया है सीरियल कम्युनिकेशन का। देखो कनेक्शन करने के लिए कैसा होता है, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए जो मैं आपको बोल रहा था केबल होता है, सीरियल कम्युनिकेशन RS-232, ये आप लोग अपना देखते होंगे अपने CPU में पीछे हम लोग जो कनेक्ट करते हैं ये केबल को मॉनिटर के साथ में, तो ये चीज़ आपको केबल वैसी नज़र आ रहा है। ये लैपटॉप के थ्रू मतलब ये केबल आप डेवलपमेंट बोर्ड में ऐसा कनेक्ट करो और यहाँ से आप अपना जो भी सीरियली डेटा भेजना चाहते हो वो फिर यहाँ पे ट्रांसफर होके आएगा, इधर पे दिखाई देगा। तो सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए ये सीरियल केबल है, तो ये वही लिखा हुआ है 8051 प्रोग्रामिंग थ्रू सीरियल केबल। नाउ अभी फिर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये समझाना है कि हम लोग जो अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे आगे के एक्सपेरिमेंट्स में, आगे के एक्सपेरिमेंट सीधा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आ जाएगा जहाँ पे हम लोग को कोड लिखना होगा। और हम लोग जो कोड लिखेंगे तो वो कोड लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज में। देखो 8051 सपोर्ट्स असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो। तो इन योर दिस सेमेस्टर, ये सेमेस्टर में आपको जो यूज़ करने के लिए बोला गया है वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने के लिए बोला गया है। और फिर इसके बाद जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे इन योर फिफ्थ सेमेस्टर, जब एम्बेडेड सिस्टम आएगा तो वहाँ पे आप लोग सी लैंग्वेज यूज़ करोगे, सी प्रोग्रामिंग। तो ये सेमेस्टर में हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लिखने के लिए? तो इट इज़ योर कील सॉफ्टवेयर। तो मैनुअल में वो दिया हुआ है कि ये तो डेवलपमेंट बोर्ड तो हो गया, अब डेवलपमेंट बोर्ड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट बोर्ड का इस्तेमाल क्या है? डेवलपमेंट बोर्ड का इस्तेमाल यही है कि हम लोग को माइक्रो कंट्रोलर IC के अंदर प्रोग्राम डालना है। जो प्रोग्राम हमने लिखे हैं सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर से वो प्रोग्राम कहाँ पे जाना चाहिए? माइक्रो कंट्रोलर IC में जाना चाहिए। तो वो प्रोग्राम लिखा कहाँ पे जाए? तो प्रोग्राम किधर पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, उसको जो रन करेंगे चेक करेंगे कि मेरा प्रोग्राम बराबर है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? तो वेयर वी आर राइटिंग अवर प्रोग्राम, जो माइक्रो कंट्रोलर IC में प्रोग्राम इंसर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज कील सॉफ्टवेयर। तो कील सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वी आर राइटिंग द माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। तो माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो हम लोग कील सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो इन आवर एक्सपेरिमेंट्स, जो हम लोग के एक्सपेरिमेंट्स है उस एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग जो अपनी प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो वो प्रोग्रामिंग हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ करके लिखेंगे? वी आर गोइंग टू यूज कील सॉफ्टवेयर। तो फिर इसके बाद ये मैनुअल में जो हाफ पार्ट है ना पूरा, वो आपको प्रोग्रामिंग का किस तरीके से स्टेप वाइज प्रोसीजर है वो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आप कील सॉफ्टवेयर किस तरीके से ओपन करेंगे, क्या प्रोजेक्ट ओपन करना है, क्या फिर आपको सेफ कैसे नाम से करना है, और फिर क्या आप उसको बिल्ड रिबिल्ड करोगे, कोई एरर है कि नहीं है कैसे चेक करोगे, और फिर उसको कैसे रन करेंगे। तो आज मैं आपको इसका पूरा इंट्रो दे दूंगा। ये जितनी भी विंडो बनी हुई है जो मैनुअल में, ये मैनुअल का पार्ट है, हर विंडो में स्टेप बाय स्टेप करके समझाया है कैसे क्या करना है। तो सारी चीज़ मैं आपको इधर पे अभी अपने ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट एज अ पार्ट जो दिया हुआ है वो एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा ना। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको कील सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। कील सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो कील सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डाउनलोड कील सॉफ्टवेयर। तो आपको अपने जस्ट गूगल में टाइप करना है कील माइक्रोविजन। तो जब आप कील साइट पे जाएंगे या सिंपली कील सॉफ्टवेयर भी आप टाइप कर सकते हो, कील सॉफ्टवेयर जस्ट सिंपली जस्ट टाइल कील सॉफ्टवेयर। तो कील की आपको साइट दिखेगी, अब ये कील की साइट में आप जा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको इधर पे वो डाउनलोड्स में आपको नजर आएंगे, डाउनलोड्स में जो हम लोग को इधर पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है अभी, मैंने डाउनलोड करके जो रखा है वो C51 वाला, ये दिख रहा है आपको C51।
तो मैंने अपना C51 वाला अपना यहाँ से डाउनलोड किया है, जस्ट अभी मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसीजर बता रहा है, तो यहाँ पे C51 डाउनलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, राइट क्लिक ऑन दिस रिटर्न पार्ट एंड सेव इट टू योर कंप्यूटर। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है C51V960A.exe, तो इस पर आप राइट क्लिक करके डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो। तो आप सेव कर लोगे तो आपको वहाँ पे से मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इधर पे सेव कर सकते हो। मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया होता तो मेरा यहाँ पे सब चीज़ दिखा रहा है, सेटअप दिखा रहा है, सब कुछ मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। तो आप डाउनलोड कर लोगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो नेम वगैरह पूछेगा, नेम, ईमेल आईडी, या कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और क्या प्रोफेशन है आपका। तो आप लिख सकते हो इन पॉलिटेक्निक यू आर स्टडिंग और प्रोफेशन आपका स्टूडेंट है। तो जस्ट वो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन पूछता है और आपको डाउनलोड करने का दे देगा, आप जस्ट उसको इंस्टॉल कर लो, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस स्किल साइट www.kill.com, तो यहाँ से आप C51 करके सेक्शन में जाके वहाँ पे लिंक पे जाके अपना ये प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख लिया है, ये सॉफ्टवेयर आपको मेरे पीसी में नज़र आएगा। इन माई पीसी यू आर एबल टू सी दिस स्किल माइक्रोविजन 5, तो ये किल माइक्रोविजन 5 करके आप अपने माइक्रो अपना किल सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर क्या करना है, अभी उसके बाद का मैं स्टेप वाइज प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ये किल सॉफ्टवेयर ही ओपन करके प्रोग्रामिंग लिखना है। तो वॉट इज़ द प्रोसीजर, हाउ टू ओपन इट, हाउ टू गो टू द विंडो वेर वी आर गोइंग टू राइट अवर प्रोग्राम, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो आप किल माइक्रोविजन को ओपन करेंगे, तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ये मेरा मैंने जस्ट एक टेस्टिंग के हिसाब से मैंने करके रखा था तो इसलिए दिखा रहा है। तो वेन एवर यू ओपन योर की सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से विंडो आपको नज़र आएगा। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट में जाके आप अपना न्यू प्रोजेक्ट करो, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाके न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो। अब ये न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट आप अपने नाम का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। तो आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूँ, मैंने ऑलरेडी अपने नाम का तो बना चुका हूँ, अभी फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ARKP, ठीक है। तो आप अपना फाइल नेम ले लो, प्रोजेक्ट का फाइल नेम ले लो, तो प्रोजेक्ट का फाइल नेम आप सेव करो। अब जैसे ही प्रोजेक्ट का फाइल नेम आप सेव करोगे ना, तो सबसे पहले आपको पूछेगा आप कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हो, विच माइक्रो कंट्रोलर यू आर गोइंग टू प्रीफर। तो कौन सा वाला माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यूज़ करेंगे अपने अपने प्रोग्रामिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आपका टारगेट क्या रहेगा, मतलब कौन से माइक्रो कंट्रोलर को टारगेट कर रहे हो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, तो वो चीज़ आपको सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के नाम आपको नज़र आएंगे, तो डेवलपमेंट बोर्ड में जो आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हो ना, तो वही माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से उसका मैन्युफैक्चरर यूज़ करना है आपको, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आप जो लिखोगे तो कौन सा कंट्रोलर के लिए लिख रहे हो वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपना 8051 के लिए, हम लोग 8051 के लिए हम लोग एटमेल वाला जो IC इजीली अवेलेबल है हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं आ रहा है किधर पे है कौन सा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको सीधा एक ही चीज़ बताऊंगा, डायरेक्टली आपको इतना सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हम लोग तो नॉर्मली एटमेल का यूज़ करेंगे, एटमेल का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने वाले। तो या नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जो मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ वहाँ डायरेक्टली आपको सर्च होकर दिखाई देगा। तो हम लोग जो हमेशा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे जिसमें IC में ये लिखा होता है AT89C51, AT89C51, तो आपको नज़र आएगा। अब ये किधर पे फिलहाल माइक्रो चिप में है, माइक्रो चिप में इधर पे नज़र आ रहा है AT89C51, तो मैंने जो टाइप किया AT89C51, तो AT स्टैंड फॉर एटमेल, और 8051 को जो नाम मैन्युफैक्चर ने रखा है वो 89C51 करके रखा है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर हमेशा हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देता है 8051 बेस फुल्ली स्टैटिक, ये सब जो डिस्क्रिप्शन है सब दिया हुआ है। जो हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं 4 KB ऑफ रॉम मेमोरी, 128 BB ऑफ रैम मेमोरी, 2 काउंटर्स और सीरियल कम्युनिकेशन भी है, 6 इंटरप्ट्स भी है, 32 इनपुट आउटपुट लाइंस भी है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस माइक्रो कंट्रोलर का। तो अब जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया,
तो उसके हिसाब से ये माइक्रो कंट्रोलर को ही हमेशा सिलेक्ट करना है। तो डायरेक्टली आप सर्च में ना 889051 टाइप कर सकते हो और उसको यहाँ पे आपको फिर लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ 889051 आ जाएगा, उस पर जस्ट क्लिक करो, ओके कर दो, फिर आप यहाँ पे यस कर दो। यस, तो ये आपका आ गया। अब आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में प्रोजेक्ट का नाम ARKP और टारगेट आपको 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको जहाँ पे प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, प्रोग्राम वाला विंडो यहाँ पे अपियर होगा। तो अभी प्रोग्राम वाला विंडो अपियर नहीं हो रहा है, ये ब्लैंक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे तो ये एडिटर विंडो आ जाएगा, दिस इज नोन एज व्हाट एडिटर विंडो। तो इस एडिटर विंडो पे यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो जो कोडिंग वगैरह आपको रहेगी लिखने के लिए, ये आपको कोडिंग विंडो के लिए आपको न्यू फाइल में जाके करना है। तो ये एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा और जस्ट राइट योर प्रोग्राम ओवर हियर। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो भी कोडिंग आपको दिया हो रहेगा, वॉट एवर द कोडिंग जो भी आपको दिया हो रहेगा, आप कोडिंग यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद फिर आप उसको सेव करेंगे। तो सेव क्या नाम से करना है, कौन सी चीज़ से करना है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंस कोड से रिलेटेड लिख देता हूँ, जो आप लोग आगे चल के अपने प्रोग्रामिंग में एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो उसी का कुछ पार्ट, उसी का कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं जो भी लिख रहा हूँ, ये आपके प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। जस्ट एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, ताकि आपको मैं प्रोसीजर समझा सकूँ कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, जो आप एडिटर विंडो में यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे। ये कोड मैंने लिखा है वो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा हुआ है ना। एक बार जब आपने कोड लिख लिए तो फिर उसको सेव करना है। तो आप सेव किस तरीके से कर सकते हो, ये सेव वाला आइकॉन आपको नज़र आता है, तो सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करो और जो भी आपको नाम से सेव करना है, एक्सपेरिमेंट वन के नाम से, प्रैक्टिकल वन के नाम से। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको PR1 के नाम से सेव करता हूँ, प्रैक्टिकल वन से रिलेटेड है। और याद रखो, जो भी कोड आप लिखोगे तो ये कोड आपका लिखा हुआ है किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। तो हमेशा जो उसका एक्सटेंशन है वो आपको याद रखना है, वो आपको हमेशा उसका एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करना है, .asm। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने प्रोग्राम लिखे एडिटर विंडो में, तो जब उसको सेव करना है तो उसको सेव करने के लिए आपका एक्सटेंशन हमेशा यूज़ होना चाहिए .asm करके। तो प्रैक्टिकल वन है, प्रैक्टिकल वन .asm करके ज़रूर लिखना है। दिस .asm मीन्स वॉट, असेंबली लैंग्वेज का एक्सटेंशन। तो ये जो कोड आपका लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप लिख लोगे ना प्रैक्टिकल वन .asm, जैसे ही .asm, तो ये पूरा हाईलाइटेड होके आ जाएगा, कलरिंग मार्क करके आ जाएगा। तो ये कलरिंग मार्क करके आ गया, मतलब आपने प्रॉपरली .asm करके फाइल से सेव किया। तो जो भी फाइल आप लिख रहे हो, जो भी आप कोड लिख रहे हो, उसको याद रखना, उसको सेव हमेशा करना है .asm से, असेंबली लैंग्वेज फाइल के नाम से .asm से आपको फिल करना है, सेव करना है ना। इतना हो गया। अब आपको इसके बाद का स्टेप क्या है, ये तो नॉर्मल मैंने आपको बताया कि हम स्टार्टिंग में जाना है तो प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट करना है, पहले प्रोजेक्ट का नाम सेव करना है आपको, उसमें माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करना है, हो गया। तो इसके बाद न्यू फाइल में जाना है, न्यू फाइल करोगे तो ये एडिटर विंडो आएगा, कोड लिखोगे और उसको सेव कर दोगे .asm से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ, हमेशा कोड लिखने के बाद, सेव करने के बाद में आपको अपने कोड को अपने प्रोजेक्ट में अटैच भी करना है। तो ये जो टारगेट जो दिख रहा है, ये टारगेट में भी आपको क्या दिख रहा है, सोर्स ग्रुप वन दिख रहा है। इस सोर्स ग्रुप वन की जगह पे आपको अपनी फाइल सेव करना है इस टारगेट में। तो इस टारगेट वन के अंदर आपका जो कोड लिखा हुआ है वो आना चाहिए नज़र, ना कि सोर्स ग्रुप वन आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले जो नीचे जो सोर्स ग्रुप वन है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, रिमूव ग्रुप सोर्स वन एंड इट्स फाइल। तो आप ये पहले सोर्स ग्रुप फाइल को रिमूव करो, जो पहले से बाय डिफॉल्ट रहेगी उसको रिमूव कर दो। आर यू श्योर, यस। अब आपका टारगेट ब्लैंक हो चुका है। अब आपको आपके टारगेट वन के अंदर क्या लेके आना है, आपने जो अपना फाइल जो सेव किया हुआ है, प्रैक्टिकल जो कोड लिखा हुआ है PR1.asm, अब उसको यहाँ पे टारगेट वन के अंदर लेके आना है। अनलेस एंड अंटिल जब तक आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, टारगेट के अंदर अपनी फाइल को लेके नहीं आओगे, तब तक वो बिल्ड रिबिल्ड का ऑप्शन नहीं बताएगा। बिल्ड रिबिल्ड का मतलब कोई एरर चेकिंग का ऑप्शन नहीं बताएगा।
क्योंकि प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग को एरर भी तो चेक करना है कि कोई एरर है कि नहीं है। तो जब तक आप टारगेट वन के अंदर अपनी कोड को लेके आओगे नहीं, तो वो किसको चेक करेगा, किसका एरर चेक करेगा, वो कैसे मालूम। तो अब टारगेट वन के अंदर आपको अपनी फाइल लेके आना है, जो आपने कोड लिखे हो उसको लेके आना है, अटैच करना है। तो उसका ऑप्शन क्या है, जस्ट राइट क्लिक करो टारगेट में और यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड ग्रुप, और इसमें आपको ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स। तो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में आपको क्या करना है, आपकी फाइल को लेके आना है इधर पे जो पूछेगा ऐड एग्जिस्टिंग फाइल। तो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में आप जाएंगे, तो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में यहाँ पे ASM से रिलेटेड जितनी भी फाइल है ना वो आपको नजर आएगी। तो अभी हम लोग ने ASM से रिलेटेड, क्योंकि अगर नहीं है बाय डिफॉल्ट पहले से, अगर ASM नहीं रहेगा तो आपको इधर पे एक्सटेंशन में ASM सोर्स फाइल को सिलेक्ट करना है। अगर पहले से बाय डिफॉल्ट कोई दूसरा रहेगा तो वहाँ पे आपको आपकी फाइल नज़र नहीं आएगी। तो जहाँ पे भी सेव किया हुआ है .asm आपको एक्सटेंशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो .asm वाला की इधर पे आपका ASM सोर्स फाइल, तो ASM सोर्स फाइल पे जैसे ही आप जाओगे तो जितनी भी ASM वाली फाइल रहेगी वो आपको इधर पे नज़र आएगी। तो फिलहाल अभी मैंने कौन सा नाम से सेव किया है, PR1.asm, इस पर क्लिक करना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। तो जैसे ऐड क्लोज करेंगे तो आपका इधर पे फाइल आपका आ जाएगा PR1.asm। तो अब ये फाइल आपके टारगेट के साथ में अटैच हो गई है। अब जैसे ही आपकी अटैच हो जाती है ना, तो यहाँ पे देखो ये आइकन्स अवेलेबल हो जाते हैं। इससे पहले ये आइकन्स अवेलेबल नहीं थे, इसके पहले ये आइकन्स आपका ट्रांसलेट, बिल्ड, रिबिल्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब एक बार आपने अपनी फाइल को अटैच कर दिए टारगेट के अंदर, तो फिर वहाँ पे ये सारे आइकॉन्स ऊपर के बिल्ड रिबिल्ड के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। तो अभी मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ एरर है कि नहीं मेरे प्रोग्राम में, वो सब चेक करने के लिए ये आइकॉन्स ऊपर दिए हुए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन नज़र आएगा, फिर इसके बाद बिल्ड का आएगा, रिबिल्ड का आएगा। तो ये तीनों हमेशा हम लोग को साथ में पहले करना है। तो पहले हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। तो जैसे ही ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाएगा ऑप्शन में 0 error 0 warning, यानी आपके कोड में अगर कुछ एरर होता है, कुछ सेंटेंस लिखने में मिस्टेक होता है, तो फौरन यहाँ पे लिख के दिखाता है इधर पे अगर कुछ मिस्टेक होता। तो रन करने से पहले आपको ये चीज़ का चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिल्ड वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसलेट किए, बिल्ड किए और रिबिल्ड भी किए, तो देर आर नो एरर्स, नो वार्निंग शोइंग ओवर हियर। तो कोई एरर भी नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब इसके बाद अपने प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो। तो रन करने के लिए यहाँ पे कौन सा आइकन पे जाना है, किधर पे जाना है, डीबग, डीबग में जब जाओगे डीबग के आइकन में, तो ऊपर स्टार्टिंग में स्टार्ट स्टॉप डीबग सेशन करके दिया हुआ है। तो दिस इज यूज फॉर रनिंग योर प्रोजेक्ट, रन करने के लिए। तो स्टार्ट स्टॉप डीबग पे क्लिक करो तो ये इवेल्युएशन मोड में जाएगा, ओके कर दो, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो गया, ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। अब ये प्रोग्राम रन हो गया तो आपको चेक करना है कि कैसे आपका एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एग्जीक्यूशन वाला स्टेप क्या है, आपको एग्जीक्यूट किससे करना है, एक एक इंस्ट्रक्शन को रन किससे करना है। तो अब ये पॉइंट किधर पे कर रहा है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है वो ये सेंटेंस पे स्टार्ट होगा। अभी ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या काम कर रहा है, वो जब मैं प्रोग्रामिंग का पार्ट है तो समझाऊंगा आपको। अभी मैं आपको ये स्टेप बाय प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि प्रोग्राम लिखने के बाद किस तरीके से एग्जीक्यूशन स्टेप तक जाया जाता है। तो मैंने पहले सब चेक किया कि कोई एरर है कि नहीं, कोई वार्निंग है कि नहीं, वो दिखाया 0 error 0 warning। फिर मैंने डीबग में गया और जाके रन किया, स्टार्ट स्टॉप डीबग पे जाके क्लिक किया तो स्टार्ट हो गया, ये प्रोग्राम रन होना चालू हो गया, यानी ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा अब वो रन हो रहा है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस जो रन होगा वो क्या लिखा हुआ है, मूव R0 #20, यानी यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं R0 करके एक रजिस्टर है उसमें मैं कौन सा डेटा डाल रहा हूँ, 20s डाल रहा हूँ। तो इसको मैं रन कैसे करूँगा, ये सेंटेंस को रन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, F10। तो कीबोर्ड में जो आप प्रेस करोगे वो क्या प्रेस करोगे, F10। तो जैसे F10 प्रेस करूँगा तो ये सेंटेंस रन हो गया। तो ये सेंटेंस रन हो गया तो देखो आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर R0 में क्या दिख रहा है, 20। तो ये सेंटेंस में मैंने जो लिखा था वो सेंटेंस रन हो गया, और वो रन होके क्या हो गया, R0 में 20 आ गया। तो ये एग्जीक्यूशन स्टेप था F10। तो कीबोर्ड में आपको F10 प्रेस करोगे तो आपका एक एक सेंटेंस रन होगा, एक एक सेंटेंस रन होगा प्रोग्राम का सिंगल स्टेपिंग में। और फिर उसके नीचे मैंने यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो इसके लिए प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो चुका है। अब F10 प्रेस करोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये मैंने अपने प्रोग्राम में एक ही सेंटेंस लिखा था, दैट इज R0 #20, यानी ये R0 रजिस्टर में मैं क्या लेके आना चाहता हूँ, 20, तो वो 20 यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज हाउ प्रोग्राम आपका किस तरीके से एग्जीक्यूट वगैरह होगा। अब आपको हटना है, एग्जीक्यूशन से बाहर आना है,
उसको वापस से डीबग में जाओ, जो स्टॉप वाला ऑप्शन है अभी आ जाएगा, स्टार्ट और स्टॉप दोनों चीज होता है, तो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे, वापस से क्लिक करो, अभी स्टॉप हो जाएगा, वापस वैसे मोड में आ जाएगा. सो इन दिस वे हाउ वी आर राइटिंग अवर प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर, और क्या नाम से सेव करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हमेशा सेव करना पड़ेगा आपको .asm फाइल से, और फिर वो सब होने के बाद में आपको किस तरीके से लिंक करना है वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया हूँ. ये टारगेट के अंदर आपकी फाइल को लेके आना बहुत ज़रूरी है. प्रोजेक्ट यानी आपका नाम, प्रोजेक्ट कौन से नाम से बनाए, उसके अंदर टारगेट वन यानी जो माइक्रो कंट्रोलर आपने सिलेक्ट किए थे, तो उस माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करने को बोलते हैं टारगेट वन. अब उस टारगेट वन में पहले आपको कोड लेके आना पड़े ना, कौन सी कोड वाली फाइल को आपको रन करना है, तो वो फाइल जो आपने एडिटर में लिखे उसमें आपको इधर पे लेके आना पड़ेगा. तो आपको कैसे लेके आने का उसका प्रोसीजर मैंने बताया आपको. राइट क्लिक, जस्ट राइट क्लिक एंड ऐड एग्जिस्टिंग फाइल टू सोर्स ग्रुप, और उसमें आप सिलेक्ट करो ASM डॉट वाला, तो आपको सारी फाइल दिखेगी. आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, आपको कोई दूसरी फाइल लेके आना है तो जस्ट क्लिक रिमूव फाइल, राइट क्लिक करो, रिमूव फाइल करो, तो यहाँ से रिमूव हो गया. अब ये फाइल रिमूव हो गई, तो अब ये रिमूव हो गई तो अब आपका ये रन नहीं होने वाला है. प्रॉब्लम बताएगा अभी कि अभी इसके अंदर है ही नहीं, कोई फाइल नहीं है. देखो अभी टारगेट नॉट क्रिएटेड क्या लिख के आ रहा है, टारगेट नॉट क्रिएटेड, क्योंकि अब मैंने टारगेट के अंदर अपना कोई प्रोग्राम का फाइल रखा ही नहीं है, यहाँ से रिमूव कर दिया था. तो टारगेट वन के अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, तो इसके लिए क्या लिख के बता रहा है, टारगेट हैज नो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स, टारगेट नॉट क्रिएटेड. जब टारगेट के अंदर कोई फाइल रहेगा ही नहीं, कोई कोड वाली फाइल रहेगी नहीं, तो वो किसको क्रिएट करेगा, किसको चेक करेगा, तो इसके लिए बता रहा है टारगेट हैज नॉट क्रिएट, टारगेट हैज नो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, दैट्स वाई टारगेट नॉट क्रिएटेड. तो इसके लिए आपको पहले टारगेट के अंदर मतलब फाइल को लेके आना पड़ेगा. तो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में जाके आप जाके अपनी फाइल को लेके आओ जो नाम से सेव किए, तो ये PR1.asm नाम से आपने सेव किए थे, उसको ऐड करो, क्लोज करो. तो अब यहाँ पे आ गया आपका इधर पे, ओके. अब इसके बाद आप करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपका हो रहा है, टारगेट वगैरह सब हो रहा है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, सब हो गया आपका, क्रिएट हो गया. अब आप इजीली जाके उसको रन कर सकते हो, इधर पे डीबग में जाके इवैल्यूएशन बोर्ड में आ जाओगे. सो आई होप यू मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड द प्रोसीजर, किस तरीके से हिल सॉफ्टवेयर में जाना है. पहले तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आप लोग को, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो. जब एक बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो प्रोजेक्ट में जाके सबसे पहले न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट करो, उसमें टाइप ऑफ कंट्रोलर को सिलेक्ट करो. तो टाइप ऑफ कंट्रोलर क्या रहेगा आपका, 8089C51, तो 8089C51 टारगेट अपना माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना. फिर आपका न्यू फाइल में जाके ये एडिटर विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखना, .asm से सेव करना, टारगेट के अंदर फाइल को अटैच करना और फिर रन करना. तो दिस इज ऑल योर प्रोसीजर, ये आपका पूरा पार्ट था, ये सब स्टेप बाय स्टेप यही सब सेम चीज़ समझाया हुआ था, तो मैंने ये सब चीज़ आपको इधर पे समझाया जो भी स्टेप बाय स्टेप था. तो दैट्स इट इन योर एक्सपेरिमेंट नंबर वन, प्रैक्टिकल नंबर वन में यही सारी चीज़ थी, बेसिक चीज़ थी. और इसके बाद आपका वही सब पूछा हुआ है, कंपोनेंट यूज, ये सब चीज़, और कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस वगैरह आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या चीज़ है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिकल. Anybody of you, please take the attendance, share in the group. Attendance. Sir, मैं डाल दूँगा sir. Okay. तो group में डाल दूँ. आया समझ में आप लोगों? अरे इतना थोड़ा ही समझ में आया, वो software कैसा run करने का, वो और एक बार समझा दो पहले. Software कैसा? वो run कैसा करते हैं ना, वो और एक बार समझा दो. ओके, वो तो अभी आगे चल के एक्सपेरिमेंट में होने वाला है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना कोडिंग में वही रहेगा, तो हम लोग को बार बार वही सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो होते होते आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा. एक और बार जरा आप लोग रिकॉर्डिंग जरा अच्छे से देख लोगे तो शायद क्लियर भी हो जाएगा, इसलिए ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, अपलोड कर दूंगा मैं आप लोग के. ठीक है सर. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस प्रैक्टिकल सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़.